तशद्दुद कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र पे सरकार हमला कर रही है। अपनी बात कहने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियों से ये लिया है, मगर जो हरियाणा सरकार की ने जो पुलिस ने जो जाति की किसानों के ऊपर, चाहे दिल्ली के लिए किसान जा रहे थे, दिल्ली किसानों की हमारी राजधानी है, कोई आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा सकता है, मगर जिस तरह बड़ी बड़ी दीवारें करके किसानों को रोका गया, हमारा संगठन इसकी निंदा करता है। और किसानों के पक्ष में पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ हमने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कल 16 फरवरी को हरियाणा के सभी टोल 12 से लेकर 3 बजे तक फ्री करेंगे पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ। और साथ ही साथ जो पुलिस है वो हमारे फ़ोन टेप कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, और पुलिस दहशत का माहौल बना रही है। इंटरनेट बंद किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में किया था। गिरफ्तारियां का, यदि पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की किसानों की, पुलिस ने अपनी ये कार्रवाई ना रोकी तो अगला फैसला हमने हरियाणा के को जाम करने का लिया है। यदि पुलिस ने कार्रवाई ना रोकी तो पूर्ण रूप से हरियाणा को जाम करेंगे। तो साथ ही साथ दिल्ली जाने की भी तैयारियां हमारी पूरी है। एसकेएम जिसके नेतृत्व में हमने दिल्ली का आंदोलन लड़ा था, यदि एसकेएम आह्वान करेगा तो हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसकी हमारी यहाँ पूरी तैयारी है। मगर हम एसकेएम की कॉल का इंतजार कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा संगठन है वो एसकेएम के साथ है। मगर जो किसानों के ऊपर पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसके हम किसानों के हक में भी हैं, और जो मांगे हैं उनकी वो बिल्कुल वाजिब है, वो मांग हमारी भी है, बिल्कुल जायज़ मांग है किसानों की, हमें MSP मिलना चाहिए। मगर सरकार जो है पुलिस और के बल पर, गोली के बल पर किसानों की आवाज़ दबाना चाह रही है। ये फैसले हमने किए, और 16 को जो भारत बंद है उसका भी समर्थन करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसानों को निवेदन करेंगे, ये आंदोलन हमने बिल्कुल शांतिमय तरीके से करना है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को उग्र करना चाहती है। सरकार जो है किसानों को ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई देशद्रोही हो, पंजाब जैसे, पंजाब नहीं, पंजाब पाकिस्तान की तरह बिहेव किया जा रहा है, जब पाकिस्तान के बॉर्डरों पर भी इतनी मुस्तैद ना हो पुलिस, जितना मुस्तैदी के साथ कील लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, पंजाब के बॉर्डर सील किए गए हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार हुआ है कि एक स्टेट के बॉर्डर सील किए गए हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है सरकार का। सरकार को बात सुननी चाहिए किसानों की। एक वाजिब मांग रहे हैं MSP की। जो किसान अपनी फसल पैदा करता है उसे MSP मिलनी चाहिए। कर्ज मुक्ति की मांग है जो किसान की, वो बिल्कुल वाजिब है। कॉरपोरेट का लाखों करोड़ों रुपया कॉरपोरेट को सरकार ने छोड़ दिया है, मगर जब किसान की बारी आती है तो किसान को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो अभी 2024 का अभी चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी ने 2022 के अंदर ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। ये 24 आ गया, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, काला धन तो नहीं वापस आया, मगर कर्जा कई गुना बढ़ गया है। किसान पहले से ज़्यादा बर्बाद हुआ है। हमारे इलाके के अंदर बाढ़ ने बर्बादी करी है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जाखड़ के अंदर तहसील को ताला लगा के बैठे हैं किसान। यहाँ भट्टू का क्षेत्र सेम से तबाही मची हुई है, तमाम मसले हैं, बीमा कंपनियां क्लेम नहीं दे रही। किसान अपनी बात कहे तो कहाँ जाए, मगर अब सड़क पर यदि किसान अपनी बात कहने के लिए आ रहा है तो ऐसे दीवारें खड़ी कर दी गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय। आज़ाद देश में इस जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी करी थी, उस आज़ादी पर भी सरकार हमला कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को तोड़ रही है, जिस संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है। तो हम सरकार से मांग भी करते हैं तुरंत ये बैरिकेड हटाए जाएं, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, और आवाज़ लाठी और गोली से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। ये दुनिया का इतिहास रहा है, जलियांवाला बाग के अंदर जिस डायर ने गोली चलाई थी, तो उसे उस वक्त की सरकार को ये भरम था कि लाठी और गोली से लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है।
इतिहास गवाह जलियांवाले बाग के कांड के बाद देश की आज़ादी की लड़ाई धीमी नहीं पड़ी थी, बल्कि और मजबूती के साथ लोग लड़े थे। और जनरल डायर का बदला देश के लोगों ने विदेश की धरती पर जाके लिया, तो ये वही देश है, देशभक्तों की धरती है, जो भगत सिंह जैसे सूरवीरों की धरती है। तो यहाँ लोगों की आज़ादी पे हमला सरकार ना करे, हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो और गाड़ियाँ तोड़ी गई है पुलिस ने जींद के अंदर, जींद के जिस अधिकारी के कहने पे 6-7 गाड़ियाँ हरियाणा के किसान नेताओं की तोड़ी गई है, उस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये कौन सा कानून है जहाँ गाड़ियों को तोड़ दिया जाए, आम राहगीरों को लाठी से पीटा जाए, जो पुलिस कर रही है। ऐसा जम्मू कश्मीर में भी शायद ना हुआ हो, जो हरियाणा के अंदर पुलिस की बर्बरता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सब किसानों से निवेदन करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे शांति से, हमें उग्र नहीं होना, क्योंकि सरकार आंदोलन को उग्र करके कुचलना चाहती है। हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। गिरफ्तारियां हुई तो हम हरियाणा को जाम करने का आह्वान करते हैं। सब साथियों से निवेदन करेंगे, यदि किसान नेता गिरफ्तार किए, जगह जगह पर रोडों को बंद करेंगे। ये हमने फैसला कर लिया है, तो सब साथियों से भी निवेदन करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, इस आंदोलन में जो आंदोलन है किसानों का, इसके हम पक्ष में हैं। और हम एसकेएम की कॉल का इंतजार करेंगे। दिल्ली जब एसकेएम ने आह्वान कर दिया तो हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पूरी तैयारी है। मगर सरकार की इस गुंडागर्दी के विरोध में हजारों किसानों से निवेदन करते हैं, सड़कों पर उतरें, इस लोकतंत्र को बचाएं, इस आज़ादी को बचाएं। ये आज की इस मीटिंग का जो फैसले हुए वो आपसे हम साझा किए हैं। सीएम खट्टर साहब का कहना है कि हरियाणा के किसान खुश हैं, 14 से अधिक जो फसलें हैं एमएसपी रेट पे ले रहे हैं। अभी बाढ़ आई हुई है, खट्टर साहब ने कहा था 7,000 रुपया मुआवजा देंगे, तो उसने ठगी कर ली सरकार ने। उसमें जब क्षतिपूर्ति पोर्टल के लिए किसानों को बोला गया आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज कराओ, तो उस वक्त खेतों में पानी था, उसमें दो पोर्टल पर नुकसान दर्ज कराओ तो उस वक्त खेतों में पानी था उसमें दो ऑप्शन थे, भी आपने दोबारा धान लगा ली या नहीं लगा ली। उस टाइम लगाई नहीं थी, किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज करा दिया, बाद में धान लग गई। अब उन किसानों को मुआवजा सरकार देने से मुकर गई है, बोले आपने ये दर्ज नहीं किया कि आपने धान दोबारा लगा लिया है। उस टाइम कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं थी, भी लोगों को बताया जाता है भी शायद इस पर मतलब उस वक्त भी आपने यदि धान दोबारा लगा लिया है तो उस पर दर्ज करो दोबारा लगा लिया। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। किसान कितना खुशहाल है यहाँ मुख्यमंत्री बयान दे सकते हैं, क्योंकि वो बैलो के अंदर रहते हैं। किसान की हालत इतनी माड़ा है, वो कर्ज की मार के नीचे है, आज नरमे का भाव नहीं मिल रहा और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो इसलिए किसान की हालात शायद मुख्यमंत्री को नहीं पता, वो महलों के अंदर रह रहे हैं, वो कारपोरेट के इशारे पे काम करते हैं। हाँ, देश में कारपोरेट माड़ो माड़ हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट माड़ो माड़ हो रही है, देश का किसान जो अन्नदाता है वो बहुत ही माड़ी जिंदगी जी रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं दे रहा। आज की मीटिंग के पगड़ी सवाल जट्टा का फैसला हुआ या कोई और भी संगठन साथ आए हैं? देखिए, ये मीटिंग पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की, जो फैसला पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने लिया है, तमाम जो हमारे साथ मिलते जुलते संगठन हैं उनके नेताओं से भी हमने चर्चा की हुई है, और जब अगला एक्शन है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो, ये हम प्रयास करेंगे, तमाम लड़ने वाले संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार की बर्बरता पुलिस के द्वारा किसानों के साथ की जा रही है, तो आपको लगता नहीं हरियाणा को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए हरियाणा के किसानों को? हरियाणा के तभी यही संज्ञान लिया, संज्ञान इसीलिए लिया कि वो किसानों पे लाठी बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, तो किसानों के पक्ष में ही ये हमने टोल फ्री का और हरियाणा में चक्का जाम का जो हमने आह्वान किया है उसी पक्ष में किया। नहीं, टोल फ्री देखिए रोडवेज की जो कर्मचारियों की चक्का जाम की है वो अपने इलाके में, वो लोग अपने जैसे की जो बस स्टैंड है वहाँ पर वो चक्का जाम करेंगे, अपना धरना चलाएंगे, शहरों में प्रदर्शन करेंगे। हम एसकेएम की इस पोल का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो टोल फ्री के आह्वान है वो पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की, वह हमारे जो सहमति के जो संगठन है उनके हम साथ में लेकर ये किसानों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पूरे हरियाणा में कल 16 फरवरी को 12 से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री करेंगे। संदीप जी, जो पिछले 2-3 दिनों से आंदोलन चल रहा है, किसान बॉर्डरों की तरफ जा रहे हैं, जो किसान घायल हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, हमने ये फैसला इसलिए लिया है, किसानों के पक्ष में लिया है, वो किसान हमारे साथी हैं, किसानों के हक में ही हमने फैसला लिया है, और उनका जो किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण पुलिस ने कार्रवाई की उसकी हम निंदा करते हैं और उसके विरोध में ही हमने ये आंदोलन का फैसला लिया। ठीक है।